गुड मॉर्निंग बच्चों, टुडे आई टीच यू सम रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ लेसन टू। वी नीड वाटर। ओके स्टूडेंट, तो हमने कल के क्लास में वी नीड वाटर पढ़े थे, जिसका कुछ पार्ट्स अभी भी बाकी था जो आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ओके स्टूडेंट, तो आप देखेंगे आज हम पढ़ेंगे रिवर। द स्नो ऑफ द माउंटेन मेल्ट इन समर। क्या कह रहा है? जो पहाड़ पे स्नो है, बर्फ है, वह गर्मी के दिनों में क्या होता है? पिघल जाता है। दिस वाटर फ्लो डाउन एज स्ट्रीम्स। और वह वाटर जो बर्फ पिघल के पानी बन जाता है, वह फ्लो डाउन यानी बहकर नीचे आता है। कहाँ? स्ट्रीम्स में, यानी वह पानी जो है नीचे स्ट्रीम्स में आता है। और मेनी स्ट्रीम्स ज्वाइन और फॉर्म ए रिवर। और बहुत सारे स्ट्रीम्स जो है वह रिवर में जाके, नदी में जा करके मिल जाता है। ओके स्टूडेंट, तो आपने पढ़ा कि बर्फ पर जो स्नो है वह गर्मी में, धूप की गर्मी में सूरज की रोशनी लगने के कारण क्या होता है? वह मेल्ट हो जाता है, वह पिघलने लगता है। और वह पानी जो है वह बह करके नीचे आता है और स्ट्रीम में मिल जाता है। और स्ट्रीम में बहुत सारी नदियाँ जो है वह ज्वाइन है, मिली हुई है, वह उससे मिल जाती है। अब हम पढ़ेंगे सी एंड ओशन। ए सी इज ए लार्ज बॉडी ऑफ वाटर। सी मीन्स होता है समुद्र। समुद्र जो है पानी का बहुत ही बड़ा समूह है, वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पाया जाता है। मेनी रिवर्स फ्लो इनटू द सी। और बहुत सारे रिवर जो है, नदी जो है, नदियाँ जो हैं वह समुद्र में जाकर के मिलती है। बिग सी आर कॉल्ड ओशन। और समुद्र का जो बड़ा बिग समुद्र जिसको बोलते हैं उसको हम ओशियन बोलते हैं। हाँ, बड़ी समुद्र को हम ओशियन बोलते हैं। द वाटर इज सी एंड ओशियन इज साल्टी। और सी और ओशियन, समुद्र या महासमुद्र का पानी जो होता है वह नमकीन होता है। वी कैन नॉट ड्रिंक दिस वाटर। और हम इस पानी को पी नहीं सकते हैं। स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे वाटरफॉल। वेन वाटरफॉल फ्रॉम ए ग्रेट हाई। पानी वाटरफॉल फॉर्म ए ग्रेट हाई। हाँ, वाटरफॉल जो है, पानी जो गिरता है वह बहुत ही ग्रेट काफ़ी ऊंचाई से गिरता है। ये वाटरफॉल इज फॉर्मेड। और ये वाटरफॉल जो है का जो है बहुत ही फॉर्म्स है। वेन वाटर इज ऑल्सो फाउंड अंडर द ग्राउंड। वाटर इज ऑल्सो फाउंड अंडर द ग्राउंड। वी डिग वेल टू गेट दिस वाटर। हाँ, कह रहा है वाटर इज ऑल्सो फाउंड अंडर द ग्राउंड। जो जमीन के नीचे से पानी निकाला जाता है, चाहे पाया जाता है। वी डिग वेल टू गेट दिस वाटर। और हम लोग काफ़ी खुदाई करके वेल बनाते हैं, जहाँ से हम लोग पानी प्राप्त करते हैं। वाटर इज आवर होम। वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स लेक एंड रिवर मेनी नॉट बी क्लीन। अब हम पढ़ते हैं कि वाटर फ्रॉम पॉन्ड लेक और रिवर मेनी नॉट बी क्लीन। पॉन्ड्स लेक और रिवर का जो पानी होता है वह क्या होता है? साफ नहीं होता है। सो दिस वाटर इज क्लीन एंड देन सप्लाई टू आवर होम। हाँ, और यही पानी जो है क्या होता है? क्लीन, साफ करके वह सप्लाई किया जाता है हमारे घरों में। वी मस्ट बॉयल और फिल्टर वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। इसके लिए जरूरी है कि हम उस पानी को बॉयल करके या फिल्टर करके फिर उस पानी को हम पियेंगे। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं सेविंग वाटर। वी मस्ट नॉट वेस्ट वाटर। हमें कभी भी पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। रीड हाउ दिस चिल्ड्रेन सेव वाटर। आई टेक ओनली ए मच वाटर ऑफ आई कैन ड्रिंक। हाँ, आई टेक ओनली एज मच वाटर एज आई कैन ड्रिंक। है ना, आई कैन ड्रिंक। आई टेक ओनली एज मच, जितना हम पानी लेते हैं पीने के लिए उतना ही पानी हमें पीना चाहिए। आई टर्न ऑफ द टेप वाइल आई ब्रशिंग माई टीथ। और जब हम अपने दांत में ब्रश कर रहे होते हैं उस समय क्या करना है? हम अपने टेप को, नल को बंद कर देना चाहिए। आई टेक ए शॉर्ट बाथ। और हमें कम से कम समय में नहाना चाहिए। ओके स्टूडेंट, आगे का इसका ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स और क्वेश्चन आंसर मैं कल के क्लास में करवाऊंगी। ओके स्टूडेंट, बाय।